नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के ओपीडी में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बृहस्पतिवार को प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए ओपीडी कक्ष के बाहर वॉश बेसिंग की व्यवस्था की। इस संबंध में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि पहले हमारी ओपीडी में 200 से 300 मरीज रोजाना देखाने के लिए आते थे, लेकिन अब इनकी संख्या 500 से ऊपर बढ़ गई है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए ओपीडी के बाहर 2 होमगार्ड लगाए गए हैं। प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि फ्लू कॉर्नर की 4 ओपीडी के साथ ही एक और ओपीडी जोड़ी जा रही है। आर्थो की भी एक ओपीडी कमरा नंबर 32 से संचालित कर दी गई है। जल्द ही मरीजों की भीड़ को देखते हुए जनरल ओटी चालू कर दी जाएगी, जिससे मरीजों की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर ए के सिंह ने कहा, जो पेशेंट हमारे आ रहे हैं, अब कुछ पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है। पहले 200-300 आ रहे थे, अब हमारे 400-500 के लेवल के बीच में आ गए हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए बाहर एक तो होमगार्ड लगाया गया है, जो कि सारे आने वाले मरीजों को उनके साथ वालों कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा किया जा रहा है। और 3 जगह वॉश बेसिन लगाई गई है और उसमें वहाँ साबुन की व्यवस्था है दोनों गेट के पास में, और एक जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है उसके पास में जहाँ पीने का पानी था वहाँ पे। आइडिया ये है कि जब भी कोई अंदर जाए डॉक्टर को दिखाने तो वहाँ पहले हाथ धोए, हाथ धो करके पर्चा बनवाए, पर्चा बनवा करके होम गार्ड वहाँ गेट पर खड़ा है, 1 बाय 1 वो डॉक्टर्स के पास भेज रहा है। अंदर भी बाथरूम में 2 वॉश बेसिन है, वहाँ भी साबुन की व्यवस्था है। गलती से अगर किसी का छूट गया या उसे लगता है कि वो किसी और के द्वारा संक्रमित हो गया है तो अंदर जा कर के पहले हाथ धोएगा, हाथ धोने के बाद में जिस भी डॉक्टर से परामर्श लेना होगा वहाँ पे जाएगा और डॉक्टर के द्वारा देखा जाएगा, और देखने के बाद में उसको लगता है कि हमने टेबल छुआ या कोई चीज़ छुई तो वहाँ से लौट कर फिर से हाथ धो करके अपना दवा कलेक्ट करके वो घर जा सकता है। जो कोरोना महामारी में वायरस से बचने का एक और एकमात्र तरीका है कि बार बार आदमी हाथ धोए, ना कि सैनिटाइज उससे करे। जब हाथ धोने की जगह ना हो, पानी ना हो, साबुन ना हो, उस कंडीशन में सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है। और हाथ धोने के बाद में हाथ को किसी चीज़ से पोंछना नहीं है, हवा में ही लहरा के कोशिश करना है कि सुखाया जाए। तो इसलिए वॉश बेसिन की व्यवस्था की गई कि डॉक्टरों को भी और मरीज दोनों को संक्रमण से बचाने के लिए। ब्लू कॉर्नर की हमारी 4 ओपीडी चल रही थी, अब एक और जोड़ी जाएगी, 5 ओपीडी हो जाएगी। और उसके अलावा हड्डी के विभाग ओपीडी कमरा नंबर 32 चालू कर दिया गया, जिसमें कि चोट पोट के मरीज, हड्डी टूटे वाले मरीज आ जा रहे हैं, उनका प्लास्टर हो रहा है। और इसके अलावा बच्चों की एक ओपीडी चलाई जा रही है और एक हार्ट का भी ओपीडी रेगुलर चलाई जा रही है, जिससे कि इमरजेंसी में हार्ट में कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत हो दिल की बीमारी की, तो आकर के अपना दिखा जा सकता है। ये हमारे यहाँ भर्ती करने के लिए कोई मना नहीं है, सब तरीके के जो भी मरीज आ रहे हैं अगर इमरजेंसी है उनको भर्ती की आवश्यकता है तो हम उनको नहीं मना करेंगे, चाहे वो सर्जिकल हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, बच्चों वाले हों या मेडिसिन के मरीज हों। बस इंटर स्टेट ट्रांसफ़र से अगर दूसरे ज़िले से आ रहे हैं या दूसरे राज्य से मरीज आ रहे हैं और उनको सिम्टम्स हैं तो उन मरीजों को एक अलग वार्ड में रखा जा रहा है और उनकी दूसरे दिन सैंपलिंग कराई जा रही है। और बिना सिम्टम वाले जो लोग बसों से आ जा रहे हैं या एम्बुलेंस से आ जा रहे हैं उनको नंदा नगर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर भेजा जा रहा है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब मरीज जब आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग रूटीन में नॉर्मल ओटी जो इलेक्ट मरीजों का था भविष्य में उसको भी स्टार्ट कर देंगे प्रिकॉशन लेते हुए।